Hey guys, welcome back to another video. और कैसा अभी मैं हिमाचल से आया हूँ, कल ही आया हूँ, तो मैं उज्जैन में रुका हुआ था. तो यहाँ पे मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए महाकाल कॉरिडोर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है. महाकाल उज्जैन, महाकालेश्वर टेम्पल जो है, तो ये देखो, ये यहाँ पे पीछे देख रहे हो, अभी जस्ट मैं इंटर हुआ और ये यहाँ पे पार्किंग है. अपन ने गाड़ी पार्क कर दी है पीछे और अभी चलते हैं अपन आगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर आपको पूरा कॉरिडोर घुमाता हूँ मैं, कितना कैसा कैसा क्या रहता है सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको. अभी पीछे एक लुक देखो आप, ये लाइटें आपको दिख रही होंगी और शायद मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अंधेरे में आ गया हूँ. तो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको, पूरे दर्शन कराता हूँ कॉरिडोर के, सब चीज़ें आपको पूरा सीन में दिखाऊँगा. सो लेट्स गो गाइस. ये जो आप देख रहे हो ये पार्किंग है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी कार वगैरह, बस वगैरह जो भी है वो पार्क कर सकते हो, बाइक वगैरह. और उसके बाद ये यहाँ से रोड जा रहा है, ये यहाँ से आप कॉरिडोर में एंटर कर सकते हो. पूरा कॉरिडोर आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप जितना जाओ उतना घूम सकते हो, मतलब जितने एरिया में 2 या 3 एकड़ में है तो वो आप घूम सकते हो, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट. और यहीं से मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे आपको. और ये देखो पूरा सीन ऐसा कुछ बना हुआ है. पहले भी मैं उज्जैन आया हुआ था लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी मैं आया हूँ तो अब मैंने सोचा रात में वीडियो बना सकता हूँ. तो चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको पूरा सीन. लाइटें तो आपको दिख ही रही होंगी, ये सब सही लग रहा है अभी. सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर और अब भी आपको दिखाता हूँ मैं. ये देखो ये रहा गेट और इसको बोलते हैं नंदी द्वार. ये आपको ऊपर दिख रही है, ये स्टेचू है, ये दो, ये नंदी जी बैठे हुए हैं, ये गणेश जी का स्टेचू लगा हुआ है, उस साइड फेस है. और ये गार्डन बना हुआ है छोटा सा, ये यहाँ पे शौचालय वगैरह है. और ये पूरा ये रहा आपका मेन डोर, यहाँ से एंट्री होती है और यहीं से कॉरिडोर स्टार्ट होता है. तो अभी और थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के, ये पूरा व्यू रहा अंदर का. और अंदर चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ मैं आपको पूरा सीन कैसा क्या रहता है. तो गाइस जैसे ही आप अंदर आते हो यहाँ पे आपको ये दिख जाते हैं पूरे, ये कलाकारी जो बनी हुई है, कुछ नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो भी दीवार होती है दीवार का नंबर लिखा हुआ था. चार चार बेटे फोटो ले रहे हैं. ये देखो इस साइड में ये भगवान की मूर्ति लगी हुई है, शंकर भगवान की, ये आपको देखी. ये अभी उधर चलता हूँ, उधर का सीन दिखाता हूँ आपको. पूरा पानी भरा हुआ है और फुहारे चल रहे हैं यहाँ पे, वो आप देखोगे ना वो सब वहाँ पे भी चलेंगे अभी. ऊपर मेरे को नहीं पता क्या है, लेट्स सी. ये देखो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 9:30 बजे के बाद कॉरिडोर में एंट्री नहीं मिलती है. तो अगर आप आते हो तो 9:30 से पहले ही आना कॉरिडोर घूमने के लिए, फिर बाद में आप मंदिर में जा सकते हो. तो ये देखो भाई, ये है शंकर भगवान का स्टेचू. ये वाला सेम स्टेचू आपको ऋषिकेश में भी देखने को मिलेगा, यही वाला है क्या, शायद यही है, पता नहीं मुझे कंफर्म, ऐसे ही दिखता है लेकिन वो भी. और उसके बाद ये पूरी भीड़ लगी हुई है बढ़िया, आप यहाँ पे आओ फोटोग्राफी करो. सो गाइस ये देखो, ये है एक स्टेचू है और ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये, और ये आपको दिख रहे हैं, ये सप्त ऋषि है, ये सप्त ऋषि की पूरी स्टेचू लगी हुई है यहाँ पे. और उसके बाद ये बना हुआ है, कुछ बैठने की चीज़ें हैं यहाँ पे, आप रेस्ट कर सकते हो अगर आप थक जाते हो तो. और उसके बाद ये यहाँ पे और भी है, अपन और आगे चलते हैं. ये रहे सप्त ऋषि, यहाँ पे भी एक 2-3-4. और ये अपन ये चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी अवतार थे शंकर भगवान के वो सब यहीं पे अभी दिख जाएंगे आप लोगों, सारे जितने भी अवतार थे ना शिव जी के वो सब यहाँ पे हैं ये वाली जगह में. और ये पूरे कॉरिडोर में वही वो है, आपको लाइट दिख रही है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मुझे. ये देखो अब मैं वाइड एंगल में नहीं बनाऊंगा गाइस क्योंकि वाइड एंगल में लाइटिंग सही नहीं आ रही है. तो ये देखो आप, ये यहाँ पे ये अगर जो भी आपको स्टेचू समझ में नहीं आ रहा है आप नीचे देखोगे तो वहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ दिख जाएगा. ये इस तरह से सभी जितनी भी स्टेचू है ना सब पे लिखा हुआ है, ये सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है. ये गणेश जी है, गणेश जी के यहाँ भी लिखा हुआ है श्री गणेश. तो जो भी अवतार है ना सभी अवतारों पे लिखा हुआ है, सारे नाम लिखे हुए हैं जो भी जैसा भी है.
और मैं ज़्यादा रिसर्च करके नहीं आया। और ये देखो ये स्टेचू है और ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें कैसे हैं और शंकर भगवान ने कैसे क्या किया था ये सब चीज़ें। और बाकी ये है तो पीछे से यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, ये एग्जिट गेट है और उधर से चलते हैं अपन मंदिर की साइड चलते हैं अभी। बाकी ये देखो एक बार आप। सो गाइस अभी हम लोग जो अभी हम लोग देख कर आए थे वो थे शंकर भगवान के जो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश जी, उनका था वो स्टेचू जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और बाकी ये आप पीछे ये देख रहे हो ये स्टेचू और इधर जितने भी स्टेचू हैं ये सब शंकर भगवान के अवतार हैं। जो भी शंकर भगवान के अवतार थे ना वो सभी ये सब स्टेचू लगे हुए हैं, तो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ अभी। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए ये वाली, लेकिन देखना लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। लाइटिंग आप देखो रात में भी बिल्कुल बहुत सही वीडियो बन रही है, काफ़ी सही मज़े आ रहे हैं। तो एक वो मैंने आपको दिखाया था और एक ये वाला स्टेचू देखो, ये वाला स्टेचू और फिर उधर है वो, अच्छे स्टेचू बने हुए हैं, सही जगह है, बहुत सही मज़ा आएगा, आप ज़रूर आना घूमने यहाँ पर। ये देखो गाइस ये स्टेचू जो है ये काल भैरव की है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। गाइस एक ये स्टेचू है ये है, अब एक स्टेचू ये रहा गाइस, ऐसे जितने भी स्टेचू सब दिखाऊंगा मैं आपको अभी, आप बस देखते रहना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है। ये देखो भाई ये जो स्टेचू है ये शंकर भगवान की जो बारह जल रही थी वैसे स्टेचू है ये। अब देखो आगे ढोलना गाड़े बज रहे हैं और ऊपर आगे ढोलना गाड़े बज रहे हैं और शंकर जी मंदिर पर बैठ के बारात लेकर जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ विवाह में बर रूप में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा, ये पूरा स्टेचू आपको दिख जाएगा। गाइस ये जो देख रहे हो ये रावण है, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है रावण का केला सोचा उठाते हुए, जो स्टेचू है वो ये है, दस सिर बने हुए हैं, ऊपर शंकर भगवान बैठे हुए हैं। गाइस ये स्टेचू देखो ये समुद्र मंथन के टाइम का है, नीलकंठ जो शंकर भगवान वो कहते हैं, और ये समुद्र मंथन जब हो रहा था उसके जो विष निकला था वो शंकर भगवान ने किया था, तो ये उस चीज़ का स्टेचू है। गाइस एक स्टेचू है लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया इस चीज़ का स्टेचू है ये। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आधे एक घंटे से घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो इससे बढ़िया प्लेस आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी लाइटिंग है, रात में भी आपकी जो फ़ोटोज़ है बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन आपको मोबाइल अच्छा लाना पड़ेगा उसके लिए, ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो मेरे मोबाइल में भी रात में कभी कभी अभी आपने देखा होगा कि नॉइस आ जाता है या सही नहीं दिखता है, लेकिन इतनी अच्छी लाइटिंग है कि मेरा फेस पूरा क्लियर दिख रहा है और बहुत बहुत अच्छी वीडियो बन रही है यहाँ पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मैं बस सोच रहा था मेरे दोस्त लोग होते, अगर मेरे फ्रेंड वगैरह होता तो मैं बढ़िया फ़ोटोग्राफी करता यहाँ पे, और एक कैमरे की और थोड़ी सी कमी थी बस, बढ़िया DSLR कैमरा होता मज़े आ जाते। तो भाई इस कॉरिडोर में आने के बाद आप ये यहाँ पे देख रहे हो श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, यहाँ से आपको ये वाली जगह से आपको यहाँ पे शूज रखने हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल भी यहीं पे आपको जमा करना पड़ेगा, बाकी आगे का सीन मुझे नहीं पता। और उसके बाद ये जो मेन गेट है यहाँ से आप अंदर जा सकते हो मंदिर के दर्शन के लिए, ये जो मेन गेट है यहाँ से, और उसके बाद ये और भी आगे और भी जगह है घूमने के लिए, आप आगे और भी घूम सकते हो, वहाँ से शायद एग्ज़िट होगा वो वाली जगह से, और इसमें से एंट्री गए यहाँ से, और ये पूरा मैंने आपको दिखा चुका हूँ, मैं जितने भी स्टेचू थे सब दिखा चुका हूँ, और अभी चलते हैं शूज उतार करके अंदर चलेंगे, तो शायद वीडियो मैं नहीं बना पाऊँ, बाहर आऊँगा मैं तब दोबारा से वीडियो बना लूँगा और बता दूँगा जैसा भी सीन रहता है। बाकी अभी चलते हैं अंदर तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। सो गाइस मैं यहीं पे शूज़ उतार करके और अंदर जाऊंगा मंदिर में, तो शायद मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, तो जूते मैं यहीं रख के जा रहा हूँ अब, बाकी जैसा भी सीन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, अगर मोबाइल रख के जाना है या लेके जाना है, निकालना है नहीं निकालना है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। देखो गाइस अभी ये मैंने आपको दिखाया था ये एंट्री डोर है, यहाँ पर मैं अभी नहीं आया था, और ये उसके आगे स्टेचू बना हुआ है और आगे भी कुछ स्टेचू बने हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो मेरे शूज़ मैंने यहीं पे उतार दिए थे,
तो वो गायब, चाचा भी नंगे पैर घूम रहे, हम लोगों के पीछे हो गए गायब। सो गाइस ये रहा एक पीछे स्टेचू अभी जो मैंने आपको दिखाया, और मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल आपको यहीं पे आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे लोकर बने हुए हैं वहाँ पे आप मोबाइल रख दो, सारे एक जना सबके फ़ोन लेकर सकते हैं, लेकर के फ़ोन वहाँ पे लोकर में रख सकते हैं, और उसी को भी वापस भी लेना पड़ेगा। नाम की कोई मोबाइल बिल्कुल चोरी नहीं हो सकता, आपकी फ़ोटो क्लिक होती है वहाँ पे लाइव, और उसके बाद जब आप वापस लेते हो तब भी आपको वो देखते हैं कि कौन है क्या है वैसा करके। तो फ़ोन आप अब अंदर बिल्कुल नहीं ले जा सकते, वीडियो वगैरह सब आप नहीं बना सकते अंदर की। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पीछे इतने स्टैचू बने हुए हैं ये, और ये स्टैचू किस चीज़ का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है गजासुर संहार, गजासुर संहार का ये स्टैचू है, आप ये देखो। और आगे ये देखो, आगे और दिखाता हूँ, हनुमान जी का स्टैचू रखा हुआ है ये। और अंदर चलते हैं, अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छी चीज़ बनी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो गाइस जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये है स्टैचू, तो ये रहा स्टैचू। और ये देखो क्या सही अंदर बनाया हुआ है उन लोगों ने, ऐसे आप घूम सकते हो पूरा, उधर से पूरा है सर्कल बना हुआ है, और ये अंदर स्टैचू है, और ये यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते हो बिल्कुल भी, यहीं से देख सकते हो जो भी आपको देखना हो। और आगे चलता हूँ, आगे और दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये रहे यहाँ पे आखिरी स्टैचू, आखिरी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, काफ़ी स्टैचू मैंने स्किप भी कर दिए होंगे शायद। तो ये देखो ये यहाँ पे शंकर भगवान, और ये विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, और वो एक और विष्णु भगवान है शायद से, हाँ वो विष्णु भगवान, ये तीनों के स्टैचू यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद फिर इधर जो है ये एग्जिट गेट है महाकाल टेंपल का, अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है बाद में चेंज कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एग्जिट गेट है। और उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा से आप बाहर जा सकते हो एग्जिट के लिए, और यहाँ से भी इधर से भी आ सकते हो, इधर से पता नहीं आया नहीं हूँ मैं, पहले आते थे यहाँ से ये वाले रोड से, लेकिन अभी इधर से ही होता है। तो ये देखो विष्णु भगवान की स्टैचू है, आपको दिखाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, और ये बढ़िया सीन है इधर का। और उसके बाद यहाँ से आप आ सकते हो, पहले यहाँ से आते थे, और ये इधर से कॉरिडोर, आप पूरा कॉरिडोर घूम सकते हो। सो गाइस ये था महाकाल लोक या फिर महाकाल कॉरिडोर का पूरा वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, और काफ़ी सही मज़ा आया, अच्छा लगा। आप चाहो तो आ सकते हो, यहाँ पे जो डोर है एंट्री जो है 9:30 बजे बंद हो जाती है, और तो उससे पहले आपको आना पड़ता है, और कॉरिडोर के लिए 9:30 बजे से पहले आपको एंट्री लेनी पड़ती है, उसके बाद वो मतलब निकालने लगते हैं जाओ जाओ ऐसा करके। तो ये रहा पूरा कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, तो अंदर के शॉट में ना आपको नहीं दिखा पाया हूँ, अगर मैं लेकर जाता तो 500 रुपये जुर्माना लग सकता था, तो उससे अच्छा है मत लेकर जाओ। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तुम्हारे भाई के चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।